is he doing, God? Cool. Stupid basket. थोड़ी देर ना कर दे। अरे बस बस, गाना खत्म हो गया, खत्म हो गया। अरे गाना खत्म हो गया? Yes. क्या? ये सोनी के नखरे हम बाद में देख लेंगे। क्या सुनिस? पहले शो को आगे बढ़ाते हैं। Welcome to Chain to Bollywood Acting Academy. ऐसे Chain to Bollywood नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। Yes. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम अगर ये चेन पकड़ लोगे तुम्हारी एंट्री सीधा बॉलीवुड में हो जाएगी। oh, no. तो मतलब ऐसा क्या कि यहाँ से खींच के एकदम बॉलीवुड में लेके जाते हैं ऐसा? बिल्कुल ऐसे घसीट के। और इसका एक मतलब ये भी होता है कि ये लोगों को अनचेन करता है, ब्रेक करता है। ओके okay. मतलब खुद से ही आज मुझको मिला दे। oh my gosh. कार्तिक कॉलिंग करते हैं। कार्तिक कॉलिंग करते हैं। अरे शाबाश। एक और भी चीज तो होता है यहाँ पे। क्या? वो हमारे जैसे जो राइजिंग चुन्नू मुन्नू जो स्टार्स है, सारे स्टार्स को एक साथ इकट्ठा करके एक बढ़िया सी फिल्म भी तो बनाई जाती है। yes. yes, yes, yes. और ये सब करता कौन है? ये सब करती है हमारी सोनिया मैम। ओ तो लेट अस वेलकम सोनिया मैडम फॉर अ वेलकम टू दिस स्पेशल नाइट एंड दिस इज रियली रियली स्पेशल बिकॉज फर्स्ट टाइम यू हैव केप्ट दिस प्रीव्यूइंग ऑफ आवर फिल्म and basically Chain to Bollywood always had this spirit, this vision to basically not only provide raw talent some opportunities but also to give them high class training as well as give them world class opportunities so they can really put their step in the industry. We are trying our best with best of the mentors and we are so thankful that we have excellent trainers from National School of Drama and I'm so thankful to Abhay ji, Gulista ji, Sayogita ma'am, Ashik ji and so many more energy trainers who really help us to give that kind of training to the students. Today is special because these films are the proof that our students are working hard. They are doing work with a lot of dedication and it truly shows the entire spirit of our academy. I hope you are going to like the films and do give your feedback after the film is done. And let's continue with the show. Thank you everyone for joining. मैडम ने बड़े प्यार से बोला यार, ऐसे बोली ऐसे डांटते रहते हैं। हां, तो मैं शो को आगे बढ़ाते हैं। शो को तो आगे बढ़ा लेंगे लेकिन मुझे कुछ पर्सनल बातें भी करनी है। पर्सनल बातें आज करनी है किसी से? सबके सामने? ओह नो। आप क्या करें, माहौल ऐसा है तो फायदा तो उठाना पड़ेगा। अरे तो बोलो ना। तो क्यों ना मैं आज अपने दिल की बात संसार को बता दूँ? बोलो तो बोलो, मेरे दिल की बात बताने वाला हूँ। मेरे दिल की बात कहाँ से आ गई भाई? ओह नो। क्या होता है? अरे बकवास। अरे मेरे दिल की बात तुम्हें कहने वाले? नहीं, इसके दिल में ये है कि मेरे दिल में तुम रहती हो, ये बताने के लिए। मैंने इसको कल बताया था कि मेरे दिल में तुम रहती हो, ये तुम उसको बता, ऐसे कहा था। अरे मैंने कल क्लियर बोला था कि ये भाभी है तेरी। ऐसे क्या गलत गलत बता रहा है यार? मैंने तुझे बताया था ये भाभी है तेरी। यार ये कहने से नहीं होता है, इसका फील करना पड़ता है। मैं पहले फील किया ना। oh, मैं ऐसे क्या होता है? मैंने पहले कहा है, मैंने फील पहले किया एक्सप्रेस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट क्या हो रहा है ये दिल दिल भाभी भाभी करो यार। बात ये है कि मेरे को बहुत क्लैरिटी है कि मेरे दिल में तुम रहती हो और भाभी बन के रहती है। करेक्ट, भाभी बन के उसकी नहीं नहीं यही बात क्लियर करना था, उसके लिए कल हम डिस्कस भी किए। अच्छा सुनो सुनो, सुनो। oh, no. ये मैं डिसाइड करूंगी मुझे किसके साथ। हाँ तुम okay. डिसाइड करो, तुम्हारा डिसीजन एकदम सही होगा। हाँ। मैं हूँ मन। ठीक है तो क्या करते हैं, पहले गेम खेलते हैं। गेम ऑफ कोर्स बॉक्सिंग का। अरे ये सब नहीं करना, रुको। तो क्या क्रिकेट? अरे एक टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट टेस्ट क्या ब्लड टेस्ट? ओह नो। अरे कुछ भी यार तू क्या अपने उससे निकल ना, क्या चीप हरकत कर रहा है? चीप सुनो। ओह नो। टेस्ट ये है कि मैं उसकी ही भाभी बनूंगी जो मुझे अच्छे से जानती है। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। ठीक है तो देख लेते हैं, हम जानते हैं देख लेते हैं।
तो पहले ये है कि ये बताओ मेरा फेवरेट कलर क्या है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं वो? अच्छा ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारा फेवरेट कलर है पिंक? सवाल ही नहीं पैदा होता, एकदम आउटराइटली गलत। हाँ तो तुम बता दो। तुम्हारा कलर है ब्लैक, लेकिन तुम्हारा दिल एकदम बिल्कुल पिंक के आसपास है। नहीं बिल्कुल डार्क है। ऐसे कैसे आसपास है? अरे है, कोई सवाल ही तो है। ब्लू डार्क कर दो। अरे ब्लू पिंक और ब्लैक तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तुम दोनों इसमें हार चुके हो। बट मैं क्लोज था। मैं हार नहीं मानूंगा। एनीवेज आगे करो। तो तुम्हें पता तो कुछ है नहीं, एक काम करते हैं, कुछ करके दिखाओ। जैसे कि मुझे देखो। चलो भाई तुम करो, मौका दिया तुम। इंप्रेस नहीं करो। मैंने आज तक एकेडमी में जितने भी ट्रेनर से ट्रेनिंग ली है, उन्होंने मुझे बताया किसी को इंप्रेस करने के लिए काम मत करो, खुद को एक्सप्रेस करो। राइट? इंप्रेस मत करना, नहीं डिप्रेस हो जाएंगे। मैं इंप्रेस नहीं करूँगा, ठीक है? तो मैं तुम्हें एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ अपने दिल की बात, कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहने की कोशिश की है कि हर जर्रे में मुझे तुमसे मिला। नहीं बहुत अच्छा लगा। गाना गा रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये कौन सा गाना आ गया जो मैंने कभी नहीं सुना? सुनी हटा दिया मैंने तुम्हारे लिए। तनिष ही कर दिया। ऐसे कोई इंप्रेस करता है यार लड़की को? तनिष ये इंटेंट को देखो कितना। रहने दो, ये तुम लोगों की बस की बात नहीं है। मैं किसी की भाभी अभी नहीं हूँ। हम शो आगे बढ़ाते ठीक है। ओके बट एक बात है। क्या? भले मुझे ये सब नहीं पता, बट मुझे ये जरूर पता है कि तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है। वो भी कुछ बकवास सा पता बड़ा है। सो तुम्हारी फेवरेट फिल्म है खून भरी मां। कौन से जमाने की मूवी है ये? थोड़ी पुरानी है, बट तुम सीरियस टाइम मैं पैदा हो गई थी उस टाइम पर। तुम्हारी कुंडली देखनी पड़ेगी, याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली, बट यही तो है ना। कौन सी है तुम्हारी फेवरेट फिल्म? मैं ही बता देती हूँ। बता दो बता दो। नहीं नहीं तुम बोलो। तो मेरी फेवरेट मूवी है लव माय जिंदगी। ओ ये तो मेरी भी फेवरेट मूवी है यार। बट ये हमारी फिल्म है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारी वेरी फर्स्ट फिल्म, जो कि लास वेगास फिल्म फेस्टिवल एंड मुंबई फेस्टिवल में सिलेक्टेड हुई थी, नॉमिनेटेड हुई थी, आई लव माय जिंदगी। तो आइए हम सब मिलके हमारी वेरी फर्स्ट मूवी देखते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ। सो लव माय जिंदगी। सुनते हो? अरे तुम अभी कैसे अचानक से इधर कैसे? यही तो मैं पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो सब्जी लाने गए थे ना? हाँ मैं सब्जी लेने आया था। वो एक्चुअली उस तरफ ना तुम्हारी फेवरेट टिंडे की सब्जी नहीं थी, तो मैं इधर लेने आया था। टिंडे मेरी फेवरेट सब्जी नहीं है अभिषेक। वही तो करेले की सब्जी, वो मैं लेने ही आया था इधर। अभी चलो ना लेते हैं। करेले की सब्जी मेरी कब से फेवरेट हो गई? जो भी है ले लेंगे, मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। चलो चलो ना लेते हैं। वो तू शादीशुदा है? ओह माय गॉश। कर जा यार। एक सेकंड। क्या इसने तुम लोगों को बताया शादीशुदा नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले लाइन मारा था इस पे। नहीं नहीं मैं तो बस जान पहचान कर रहा था, नाम पूछ रहा था। तुम चुप रहो। प्रॉपर फ्लर्ट। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इनकी बात मत सुनो, ये मेरे पुराने। मैं तुम्हारी बात सुनो, तुम सब्जी लाने गए तो तुम यहाँ खड़े मिले मुझे, मैं तुम्हारी बात सुनो। देखो देखो मैं सुनता हूँ तुम्हारी बात, तू चुप हो जा भाई।
चलो ना ले लेंगे ना प्लीज चलो। तुम सुनो यहाँ, तुम घर पे आओ, मैं तुम्हारा घर पे बताती हूँ। ओ नो, सुनो तो मेरी बात तो सुनो। तुम आवाज दिया मेरे को, तू सुनो तो। देखा इतना बड़ा फ्रॉड था, बचा लिया तुमको मैंने। कितना धोखेबाज इंसान नहीं है। एग्जैक्टली बच गई क्या करें, मूड तो सारा खराब कर दिया है। मूड थोड़ा लाइट करने के लिए सबके लिए हम अपने अगले अगले कंटेस्टेंट, हमारे अगले प्रस्तुतकर्ता को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहते हैं। रोहित साहू एंड अभिषेक ऑल्सो प्लीज कम ऑन स्टेज। हमारी अगली फिल्म की तरफ जिसमें है ढेर सारा रोमांच, एक्शन, सस्पेंस, रिलेशन की बुद्धि। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं हमारी अगली फिल्म अ लॉन्ग नाइट। एवरीबॉडी प्लीज। शो को आगे बढ़ाते हैं। वो फिल्म में तू ही था ना तूने चोरी वोरी की थी। चलो लेकिन मैं CBI से हूँ। CBI कब से शो में अपग्रेड हो रहा है, बड़ा दिया तुम लोगों ने, अपग्रेड हो रहा है। चलो तुम बकवास बाद में करना। अरे तो साइंस के लिए आप टोपी डंडा कुछ तो लेकर आओ। CBI ऐसे घूमते हैं, वो हवलदार नहीं हूँ मैं। चलो चलो चलो, हमारा शो अब हिंदी होने वाला है, प्लीज थोड़ा देर दीजिए, फिर हम चलेंगे। आपके पास हमेशा कारण होता है, ठीक है। चलो शो खत्म होने के बाद चलेगा, कोई काम नहीं है। चलो ठीक है, निपटाओ। एनीवेज बहुत शानदार फिल्म थी, मेरे को भी मज़ा आया। मैं CBI से हूँ तो क्या हुआ। थैंक यू सर। तो इस फिल्म में बहुत बढ़िया काम किया हमारे फेलो स्टूडेंट्स ने। सो उन सबको अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देने का टाइम है। सो आई कॉल और तनिषा और सुमित तो यहीं हैं। अल्ताफ प्लीज़ कम ऑन स्टेज। तनी मैडम, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देने के लिए सोनिया मैडम और अभय सर प्लीज। आपको बता दूं कि ये जो स्टूडेंट्स यहाँ सब हैं, इनको मैं रोज बहुत डांटने बहुत डांटती हूँ। हाँ, सो तभी वो कह रहे थे कि आज का बड़ा स्वीटली बोल रहे हो, क्योंकि आई हैव बीन पुशिंग देम एंड आई थिंक, आई मीन दे आर वर्किंग हार्ड एंड ग्रेट जॉब गाइस। एंड हम लोगों की होप है कि आप लोग, अकेडमी हम दिल से चाहते हैं कि आप लोग सब अपना और अकेडमी का नाम रोशन करें। Yes, of course. Congratulations for your this debut film. Thank you, ma'am. That subject was very serious. Yeah. And as rightly said, she took the decision to go
not with anybody, you know, on her own. So congratulations to her. Thank you, sir. She is doing good also. I know this gentleman. And this guy had come today, his husband had come to the house today. We made him like things, you know. I didn't even realize that he's part of that story, right? Second film, of course, was very gripping, you know. The song, the situation, the plot. ये दो फिल्में की हैं तो ये एक दिन में नहीं हो पाया। ये होने के लिए हमने ट्रेनिंग ली है और जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है उनको तो फैसिलिटेट करना बनता है। तो हमारे नेक्स्ट ट्रेनर जो स्टेज पे आने वाले हैं, मैं उनको बुलाता हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ। आशिक सर प्लीज कम। स्टार्ट में जब भी वो आए एकेडमी में और तभी से और अभी में आई कैन सी सो मच ऑफ डिफरेंस। सो द थिंग आई वुड लाइक टू टेल आई थिंक टू हरीश कि ये इजी टास्क बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा लगता रहेगा कि अरे इससे मैं बेटर कर पाऊंगा, बट आप अगर जब स्टेज पे आएंगे और करना चाहेंगे तो द थिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। अभी जैसे इन्होंने बताया तो इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। और अगर स्क्रिप्ट दिया जाएगा, अगर एक्सटेंपोर बोला जाए तो फिर भी वो कर सकते हैं, बट अगर स्क्रिप्ट दिया जाए और उसके बाद वो आपकी स्क्रिप्ट नहीं है और उसके बाद यहाँ पे आके एनैक्ट करना इज़ नॉट ईजी। और ये डिफ़िकल्ट काम इन्होंने चालू किया हुआ है कि यंग एक्टर्स को, एस्पायरिंग एक्टर्स को इधर वो ट्रेन कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं अभय जी का नाम लेना चाहूँगा, ही सच अ वंडरफुल पर्सन एंड एन एक्टर कि उनका आपने अगर सेशन नहीं अटेंड किया हो तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आप कभी तो आइए और आपको ऐसा लगे कि आप 10 घंटा कंटिन्यूस बैठ सकते हैं और उनका सुन सकते हैं। अभी भी आपके बारे में बता रहा हूँ और मैं सुने जब पूछता हूँ अगर वो लेने वाले हैं तो वो मुझे भी आके सुनना है, इवन तो आई डोंट वॉन्ट टू आई। बट स्टेज पर भले मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिए, मैं आई एम अ मोटिवेशनल एंड अ बिजनेस स्पीकर, बट इनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है इस चीज़ का। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि अगर वो आने वाले रहेंगे तो एक एक्सक्यूज़ रहता है आने के लिए। और सोनिया जी का मैं बताऊँगा कि ये जो उनका जो पैशन है, यू नो, उनका जो एम है 10 साल बाद 5 साल बाद जो उनको टैलेंट को बाहर निकाल के उनका जो पैशन है, आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट दैट, गिव हर अ बिग हैंड। मैंने उनको देखा है कभी सुबह शाम को रात को कि कैसे आगे जाए, क्या करें, स्टूडेंट्स को कैसे आगे बढ़ाए। तो इनका मैं शायद इनको भी मालूम नहीं होगा कि इनके पास जो अपॉर्चुनिटी आई है कि इनका फिल्म कोई फिल्म फेस्टिवल में जाके वो कम्पीट कर रही है। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अभी जस्ट इमेजिन करिए कि वो लास वेगस में उनकी अगली फिल्म या ये फिल्म जो भी है वहाँ पर वो स्क्रीन की जाएगी और अगर अवॉर्ड मिल गया तो इनको मालूम नहीं है कि इनका जैकपॉट क्या लग गया है। बिकॉज फॉर लाइफ टाइम
लाइफ टाइम उनके नाम पे थप्पा होगा कि ये फिल्म अवार्ड एक्टर है। जैसे मैं आई एम अ 3 times अमेजोन बेस्ट सेलिंग ऑथर, तो एक बार अगर हम हो गए तो आपका बुक पे और सब जगह पे वो थप्पा आ जाता है। एंड दे विल एक्चुअली प्रूव देमसेल्फ एज दे गो, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। और आपका फिल्म को अवार्ड मिले, मैं चाहता हूँ कि कोई तो जल्दी से जल्दी आपकी नेक्स्ट ये वाली भी कोई तो फिल्म को अवार्ड मिलेगा, और उसके बाद जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा वो कोई उनको रोक नहीं सकेगा। और वो दिन होगा जिस दिन मैं आना चाहूँगा कि जब भी लास वेगास में या कांस में या कोई भी कंट्री में जहाँ पे उनको अवार्ड मिलेगा, और उस दिन मुझे लगता है कि उस दिन शी विल बी वेरी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी, एंड होल ऑफ द क्रू एंड द टीम, बहुत सारे लोग हैं, तो दे विल बी वेरी हैप्पी। आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Did the song, it was a very touching song, screen me the whole story, aise aise story line hai to aapko karna hai. I made many mistakes and she was always there to tell me yes and yes, yes and mistakes to bahut daat bhi khayi maine, but she saw to it that main perfectly perform karu in my this film also as well as my cover songs which are coming up, so thank you so much. Ab kabhi Sonia mam se baat hoti hai, main aap sabko batana chahta hu ki hamesha mujhe bolte rehte Sumit positive soch, क्रिटिक्स मत लगा, पॉजिटिव सोच तो होगा होगा, तो हमेशा खुद को ऑर्डर दे कि पॉजिटिव सोच। तो जो पॉजिटिविटी की गंगा है वो हमारे सीटूबी की जो पॉजिटिविटी गंगा है वो सोनिया मैम से आती है, सो थैंक यू सो मच। मींस अ लॉट टू अस कि आप हमारे इम्पोर्टेंट मोमेंट में जो हम फर्स्ट टाइम हमारी फिल्म का प्रीव्यू कर रहे हैं, यू ऑल आर हियर बीइंग पार्ट ऑफ आवर टीम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड बिफोर यू गो वी हैव सम स्नैक्स, डू हैव देम। Thank you so much. सोने रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोले रे, घट घट में तोरे साई बसत है, घट घट में तोरे साई बसत है, कठु बचन मत बोले रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे।